Где есть, там делить. Едем. सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो चेतन खड़गड़ करई जड़ ही करई चैतन्य अस समर्थ रघुनायक ही भट ही जीव ते धन्य। परमात्मा पर्वत को राई और राई को पर्वत बना दिया। ऐसे परमात्मा का जो वर्णन करता है वो जीव धन्य है। तो स्वामी जी जी और लिखते हैं बस कही कर प्रभु अजही मशक ते हीन अस विचार तभी संशय राम ही भजे ही प्रवीण। मशक मन मचल होता है। ईश्वर परमात्मा
मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को भी मच्छर से तुच्छ बना सकते हैं। ऐसे समर्थ जो परमात्मा है जानकर जो उनका भजन करता है वो बड़ा भाग्यशाली। शरीर परमात्मा ने हम लोगों को दिया है, देखिए सत्संग हो रहा है। सत्संग की वार्ता जिसके कान में पड़ जाती है वो भागशाली जीव माना जाता है। यादव गौ माता है अभी बड़ा भाग है ये भी सत्संग सुन रहे। सत्संग का असर, सत्संग का प्रभाव तो सब पर होता है। वास्तु वशिष्ठ जा रहे थे, एक किला दबरे डबरे से भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। वास्तु वशिष्ठ करके भाई किला क्यों भागे जा रहा है? मतलब तो सुबह जाएंगे जब तक उमर जाएगा तो तुम्हारा सब गति हो जाएगा। जब पड़ गया अकेला तब तक उमर गए सब गति हो जाए। संत मिलन को जाइए तरी वह उतार विवर जो जो पर आगे रहे ताकि कोशिश यज्ञ समान स्वामी जी लिखते हैं संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ कहे संत कवि गोविंद श्रुति पुराण सदगम। संतों का जो रास्ता है मार्ग है वो मोक्ष का रास्ता है, मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष का मतलब होता है दुखों से छूटना। हम लोगों के जीवन में बहुत दुख है, बहुत बीमारी से छूटना चाहते हैं। नौकरी नहीं है, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। मकान नहीं है, मकान प्राप्त करना चाहते हैं। बेटा बेटी नहीं है, बेटा बेटी प्राप्त करना चाहते हैं। संसार में बहुत तरह का दुख स्वामी जी कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज राहुल तीन तरह का जो दुख है वो स्वामी जी लिखते हैं। राम के राज्य में किसी को नहीं जानता है, बड़ा मूर्त है राम का राज्य कौन है? क्या राम जी के राज्य में लोग मारते रहते थे? मारते थे। क्या राम जी के राज्य में सब सुखी थे? ऐसी बात है, दैहिक दैविक बौद्धिक दुख सब काल में रहा है, सब चीज में भी था, त्रेता में भी रहा है, द्वापर में भी रहा है, कलयुग में भी। लेकिन कहते राम राज्य का हो जाएगा, राम राज्य समझना पड़ेगा। ये राम जी का राज्य क्या है? राम जी का राज्य क्या है? तो राम जी का राज्य कहा है? ये जो दिमाग है हम लोगों का आग से नीचे वाला भाग को पिंड करते हैं और आग से ऊपर वाले भाग को ग्रहण करते हैं, यानी यहां से लेकर के यहां तक। मतलब क्या? सूक्ष्म कारण, महाकारण और केवल
ये जो जड़ शरीर और चेतन शरीर है विकलांग रूप है। अब जिस हमारे जी पृथ्वी है पृथ्वी बहुत बड़ी है, लेकिन भूगोलता उसको छोटा करके पैमाने पर गिना पाता है, फुटबॉल की तरह बना देता है, जो फुटबॉल में ही सारी दुनिया एशिया यूरोप अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका सब उसे ठीक उसी तरह से एक परमात्मा का बनाया हुआ सिंबल इतना ही दुनिया सब कुछ है। इसलिए कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम राज्य का हो नहीं व्यापार, राम के राज्य में जो प्रवेश कर जाएगा उसमें सुख दुख नहीं होगा। तो सुख दुख मन को होता है तो हम बदल दे जाता है। कभी साहब कहते हैं कहो उस देश की बतिया जा रही हो दिन दिया, और उस देश की बात करता हूं जहां दिल होना नहीं होता है। वहां सुख दुख भी नहीं है, दिन रात भी नहीं है, वहां कमल पानी नहीं है, वहां नदी आकाश नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। वहां तो केवल आपकी चेतन आत्मा जो शुद्ध स्वरूप है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, वही वहां है। इसलिए जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं जो कहते हैं तत्व श्री अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञान आनंद ब्रह्म, ये जो महावाक्य है ईश्वर है परमात्मा है, लेकिन वहां बहुत क्षति कर रहे हैं, बहुत दूर की भाषा है। हम अगर कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि हम भी प्रभु है, सब जी प्रभु है, लेकिन पर्दा पड़ा हुआ अंधकार प्रकाश सब का पर्दा पड़ा हुआ है। इसको ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये पर्दा तो हटाना पड़ता है ध्यान साधना के द्वारा। केवल स्वाहा स्वाहा करते रहेंगे, कर्म कांड करते रहेंगे तो होगा नहीं होगा। हाँ कर्म कांड सत्य से लाभ होगा नहीं होगा, वातावरण की शुद्धि होगी, देवताओं की आहुति देंगे तो देवी देवता कुंठित हुआ होगी, देवी देवता प्रश्न होकर के हमको क्या देंगे, जो उनके पास है हर संपत्ति उनके पास है, धन दे देंगे, बेटा बेटी दे देंगे, मान देश दे देंगे, लेकिन मोक्ष दे देते हैं क्योंकि मोक्ष उनके पास नहीं है। इसलिए आवागमन के चक्र में वो देवी देवता पड़ेंगे। इसलिए उपनिषद का लिखते हैं अहम तुम परमेश्वर ए अविद्या उपासना तो भूय ही होते हैं तब ये वो विद्या आता है, वो अभिभाव से घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं जो सम्बुद्धि को उपासना करते हैं। तो जब तक तो ब्रह्म का यानी ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता है तब तक जीव का आवागमन होना ही रहता है। इसलिए आवागमन के चक्र से छूटने के लिए, देवगमन के चक्र से छूटने के लिए सब लोग कहते हैं उपासना करो, क्या उपासना करो, हमारा मन संसार में फैला हुआ है, मन संसार में फैला हुआ है, सब तो हम लोग कहते हैं इसको क्या करो समेटो, जिसे धान से पसरा हुआ है, ठीक है गेहूं पसरा हुआ है, धान गेहूं को समेट लेते हैं ऊपर उठ जाएगा। उसी तरह से जीव का जो मन है इंद्रियों की घाटों में फैला हुआ है, जितना चिंतन है इतना फैला हुआ है, ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे वो करेंगे करता है। तब तुम आपको कहते हैं इसको समेटो, कैसे समेटा जाएगा, कहते हैं एक मन को पकड़ो, एक नाम को पकड़ो, एक नाम को पकड़ोगे तो मुझे समाधान खुल जाएगा, वह कितने का हो जाएगा बहुत ही कारण हो जाएगा, बहुत ही कारण हो जाएगा। फिर कहते एक रूप को पकड़ लो,
कोई राम कथा करते हैं, कोई कृष्ण का करते हैं, कोई दुर्गा का करते हैं, कोई काली का करते हैं, कोई सब लोग का करते हैं। तो एक रूप का ध्यान करने से दुनिया का सब रूप छूट जाता है। अब एक बार गुरु महाराज से पूछे कि बुजुर्ग ध्यान जो करते हैं राम का, शिव का, दुर्गा का, काली का, तो वो ध्यान जो करते हैं तो वो ठीक है? करते हैं लोग करते हैं। मैं कहूँ युद्ध सदगुरु का भी करते हैं, करते हाँ करते हैं, तो कितना ध्यान करने से अच्छा रहेगा? तो कहते हैं देखो देवी देवता को देखे नहीं है, भगवान आपको देखे हैं, तो सीरियल वाला भी टेलीविजन में चल रहा है, जो रोहित जी है अरुण गोविंद उद्धव थे, अब उसी को लोग अपने घर में लगाए हुए हैं। क्या राम जी है वो? उसका ध्यान करते थे, आदमी का ध्यान करते हो ना, कई रोकड़ी की पिता है, सिगरेट पिता है, दारू पिता है, सदगुरु को देखे हैं, इनकी खोज करते हैं, सदगुरु का दर्शन किया है, और सदगुरु का ध्यान करने से हमारा मन का भी सदगुरु, सदगुरु नित ही पुकार, छीजत पाप सहु अहे सदगुरु रूप ही मे धार, काम क्रोध मद लोभ दहे। सदगुरु का रूप काम लेते 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 गुरु महाराज अंदर में वास करते बैठ गए, परम शांति मिल जाती है। हमारी परम शांति जो भजन ध्यान करता है चाहे थोड़ा भी करता है बड़ी शांति। ध्यान करने वाला आदमी को ऐसा लगता है किसी गुफा में जा रहा है, घुस रहे हैं, घुस रहे हैं, हम केंद्रित हो रहे हैं, एकदम टेंशन खत्म हो गया। इसलिए योगी खुश जो होते हैं, जो महिमावती होते हैं, वो ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता है, वो आत्म संबंध रखता है, क्योंकि आत्मा जो दुख है। दत्तात्रेय जी महाराज पर्वत पर विराजमान है, एक लंगोटी पहने हुए बस अपराधी के दिन में सोए हुए दत्तात्रेय जी, आप पढ़िए भागवत चक्रवर्ती सम्राट जरूर बड़े विलास है, उदास है, बड़ी अच्छी है, जब कोई दिक्कत चले जाते हैं शेयर करने के लिए सोचते हैं कोई साधु महात्मा मिल जाए, कोई संत मिल जाए, उसका दर्शन हो जाए, उसे कुछ ज्ञान मिल जाए, आपके मन में शांति मिल जाए, खुशते खुशते मिल गया। देखिए श्रद्धा है, श्रद्धा है भगवान तो फल में खड़ा है। आप किसी काम को बढ़िया से सोचिए, आपका सुख से गर्व हो तो पूरा हो जाता है। तो खर्राटे के दिन बस वही हुए थे, बिल्कुल अलवस्थी के साथ हुए, राजा जी जो देखा कि शरीर में बड़ा तेज, इतना तेज, इतना भी खाता पीता, तुम्हारा शरीर में तेज हो गया, ये महात्मन खाने की रोटी इसको है, पहनने का कपड़ा है, चराने का मकान है, कि पहाड़ पर खर्राटे के दिन बस रहा हूँ, बाहर है चित्र बनते समाज, इसको बेधड़क कोई चिंता नहीं। जाके राजे जी को प्रणाम करते, देखिए किसी और कोई परिचय नहीं होता है, कोई जान पहचान, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, लेकिन उसको देखते ही हमारा सिर झुकने लगे तो समझ लेना चाहिए कोई महान पुरुष है, कोई परमात्मा का भक्त है, कोई गुरु का भक्त है, सिर्फ झुकने लगा उसका प्रणाम किया,
kau buat gue di aku di sama dia. Yang tidak bisa dia. Apa kau jora kau buat gue di. Uhi, berada di tuh bulan. Apa dasar kerja? Aku tidak ada tempat. Yang dia pun kau tak jaga. Anda tuh berada bau cek. Aku pun kerja. Tetapi aku pun kerja. Kau ni nak? So, kita pergi wahai kita. Tuh kau. Bulan jatuh saja. Tu kaya cakap tu bulu. Tapi tu dia kan. Kalau aku mohon pada salah dia tu kini. Kalau sahaja cakap dia. Aku dekat punya bukan juga. Dunia aku sama sekali ni dalam dolar pun tidak suka. Di sini banyak bau dah saya bau seperti ini bau bau apa sahaja. Dunia untuk dia cara dia bau suki ya. Hamare paas to sab kuch hai lekin hum pareshan hain hamari wali to hai ab din hai aap ki khate hain to din ke time aap ko sote hain lekin aap to paas kuch nahi hai jab aap ne kabzan hai tab aap ne kabla hai lekin aap nahi sote iska baat se kya hai bata dijiye राजा जो तुझे कहा दशरथ जी महाराज ने कहा सुनो ये तुम जैसे खाते हो उसी तरह से मैं भी खाता हूं तुम जिस तरह से सोते हो मैं भी उसी तरह से सो जाता हूं तुम जैसे वस्त्र पहनते हो मैं भी उसी तरह से वस्त्र पहनता हूं लेकिन जब तुम जाग जाते हो तो दुनिया के भगत छोड़ लग जाते हो और जब मैं जागता हूं तो ईश्वर का भजन करता हूं भगवान का भजन करता हूं श्री शत्रु महाराज की जय श्री वे सुखी अतुल दुख की अगर तुम भी सुख चाहता है शांति चाहता है तो तुम भजन करो भजन आतुरी कीजिए और बात में देर और बात में देर के रखे जीवन थोड़ा थोड़ा सा केवल है कहते हैं आप अचानक मानस से जो की कर को बाज आग रात का झपट्टा मारने का तो है निकल पक्ष करते रहते हैं हम क्या करेंगे अभी तो बच्चा है अभी तो जवान है अभी भजन क्या करेंगे ध्रुव जी महाराज को देखी असाम की अवस्था में भजन किया प्रहलाद जी महाराज असाम की अवस्था में बाकी तो मीरा भाई असाम परमात्मा की भजन की देखिए भजन करता तो आसान बात नहीं है सत्संग जाकर के सत्संग सुनना भी आसान बात नहीं सत्संग जो है सोना का दुकान है सोना का दुकान में मृकम रहती है और साग सब्जी की दुकान में वही तो सस्ता है सोना बनता है ये सत्संग में आकर के भी सत्संग लोग नहीं सुनते ये सत्संग में आकर भी लोग तो पढ़ते हैं देखिए तो मतलब देखिए एक किलो बैगन खरीदने का पूंजी नहीं है उस सोना बनता है क्या पूंजी नहीं है गरीब है तो सत्संग में आकर के भगवान की कथा नहीं सुन सकता पूंजी नहीं है सत्संग में आकर के सत्संग की बात सुनो सुनने से जीवन बदलेगा सुनोगे तब ना करोगे वो स्वामी तुलसीदास जी कहते सुनी सब जाएगी जन्म बुद्धि तब बच्चे ही अति अनुराग लह हिचार और भला चक्र तदु साधु समाज दिया सत्संग में आकर के भगवान की कथा ध्यान से सुनिए और उसको समझिए क्या समझिए क्या बोल रहे हैं उसको समझिए और फिर समझ करके उस पर चलिए अमल करिए उसको सब भगवान में प्रेम हो जाएगा अनुराग हो जाएगा
जापन कृपा राम की होई, आपन कृपा करे सब कुल, जिस पर राम की कृपा होती है उस पर सब लोग कृपा, प्रभु प्रभु राम प्रवास में है, ठीक है, भगवान राम ने छोड़ जा रहे हैं बसा सभी ने रास्ता में बड़ा कृष्ण है स्लिप हो जाता है, तो भगवान राम धनुष को बाण को गड़ा गड़ा के चल रहा है धरती में पर स्लिप न कर। एक मेढक के शरीर में धस गया पाप ऊपर लौलुहान है मेढक, भगवान को देखकर दया आ गई, अरे मेढक तो कुछ बोला नहीं भाई, तो बोला क्यों नहीं कुछ, वो मेढक बोलता प्रभु अब क्या बोले, दुनिया वाले लोग मारता है तो हम तरह तरह करते हैं, रावी मारता है तो तरह तरह करना भी बंद कर दिया, रावी मारता है तो किसे बोले, राम नाम का लूट है, लूट सको तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट, भगवान का भजन मत करो, सुबह जागो शरण आदि करके सब संतों ने जो आपको युक्ति बताया है उस युक्ति के हिसाब से बैठ कर ध्यान करो, जप करो, सुमरण करो, उससे क्या होगा, भजन करने से क्या होगा, आपका दिल बनेगा, आपका दिन अच्छा होगा, भजन में बड़ा आनंद होता है, बहुत चैन है, बहुत सुकून है, बहुत संतोष है। हेलो बिना संतोष न काम न साजी, अब काम अच्छा सुख सपने हो नहीं, तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बिना संतोष का आग्रह का नाश नहीं होता, इच्छा का नाश नहीं होता, संतोष न काम दशा है, अच्छा सुख सपने में, जब तक कामना है सपना में सुख दे सकता है, इसलिए जरूरत को कम करना चाहिए, अपना जो जरूरत है वो जरूरत को कम करना चाहिए। एक महात्मा हुए अपने देश में आनंद स्वामी, क्या नाम था, आनंद स्वामी, आनंद स्वामी अमेरिका गए, देखा एक लड़का दुकान में बैठा हुआ है, उस लड़का को बुलाते हैं आनंद स्वामी, कहते भाई तू क्या काम करता है, तो कहा कि हम दुकानदारी करते हैं, तो बाद पूछा कि दुकानदारी तू क्यों करता है, तो कहता है ऐसा कहीं बात लोग फिर कहते हैं पैसा क्यों कमाता है, बोलता है रोटी के लिए, फिर पूछते हैं रोटी क्यों खाता है, तो कहा स्वामी जी रोटी नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे, तो रोटी खाते हैं जीने के लिए, फिर पूछते हैं जीते क्यों हो, तो चुप हो गया। आनंद स्वामी कहते हैं सुनो भाई तुमको ये पता चल जाएगा किस लिए जीते हैं तो तुम्हारा जीना सार्थक हो जाएगा, पता ही नहीं क्यों जीते हैं, मानव जीवन मिला है इसलिए जीते हैं, भजन करने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाओ, जीने के लिए खाओ। ध्रुव जी महाराज उत्तानुपात के पुत्र थे, उत्तानुपात की धर्मपत्नी दो थी, एक हरम सुनीति था एक हरम सुनीति था, तो सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज। आप ध्रुव जी महाराज जब गए तो माता ने क्या किया, आपको पकड़ करके उतार दिया, चलो ये तुम्हारे पिता नहीं है, छोटा सा बच्चा 5 साल का बच्चा रोने लगा, मां से कहा मां ये हमारे पिताजी नहीं है, मां बोलते बेटा ये तुम्हारे पिताजी नहीं है, हमारे पिताजी कौन है,
तो बेटा तुम्हारे पिताजी जंगल में जाते हैं, भजन करना पड़ेगा तब भगवान मिलेंगे। देखिए कैसी बात सुनी थी ध्रुव जी महाराज को जंगल में, और जंगल में जब गए ध्रुव जी महाराज नारद बाबा जी, नारद बाबा ने उनको मंत्र बता दिया, क्या बताया, क्या मंत्र दिया, ओम नमो भगवंते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसी मंत्र का जप करो भगवान दर्शन दे जाएगा। 6 महीने तक खूब मन लगा करके भजन किया ध्रुव जी महाराज, भोजन करता था भोजन करना छोड़ा, पानी पीता था पानी पीना भी छोड़ दिया, सांस लेकर मिलेगा सांस लेना भी बंद कर दिया रोक दिया, देवता का विश्वास रोक दिया। इंद्र घबराने लगे उसका सांस रोक लेगा, सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास आए, ब्रह्मा जी इसका महाराज हम लोग का सांस रोका जा रहा है, ब्रह्मा जी महाराज कभी तो हमको भी हो रहा है, अब ब्रह्मा जी से चले भगवान विष्णु के पास ताकि प्रभु हम लोग का सांस रोका जा रहा है, भगवान विष्णु ध्यान लगा कर देखे कि हमारे एक भक्त है ध्रुव वो कठोर तपस्या कर रहा है, भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर के जाते हैं, कहां जहां पर ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहा है, एक पैर पर ध्रुव जी महाराज खड़े हैं, बाल बिखरे हुए हैं, आंख से आंसू टपक रहे हैं, देखिए भगवान युग हो सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे, सब जागते हैं और खाते हैं सो जाते हैं, खाना खाने करते ब्रह्मत में जागते भी नहीं, जाग भी नहीं करते, भगवान का नाम भी नहीं लेते, बैल की तरह काम करते हैं, बिल्कुल क्या करता है किसान खिला पिला के सुबह में देखी चला जाता है खेत में जोतता है और शाम को फिर घर ले आता है और फिर दाने में कुछ दे देता है खाने के लिए शादी, अगर बैल के पेट में दर्द हो जाए बोलेगा कि हमारे पेट में दर्द है हमको मत जोतो,